जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह साथियों राजस्थान में होगी ग्रुप डी और ड्राइवरों की भर्ती 2024-25। जी हां साथियों 2024-25 में ग्रुप डी की भर्ती और ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। उसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। 10वीं पास ये नौकरी रहेगी, बिना सीईटी की भर्ती होगी। इसमें सीईटी का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका मिलने वाला है। पूरी जानकारी को हम प्रकार से समझेंगे और जो न्यू अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो अधिसूचना जारी हुई है भर्तियों की वो अधिसूचना भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इन भर्तियों के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जो भी अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। यह है राजस्थान ग्रुप डी नई भर्ती 2025। राजस्थान में होगी ग्रुप डी और ड्राइवरों की भर्ती। पदों की संख्या 65,000। अधिसूचना जारी हो चुकी है। 10वीं पास और बिना सीईटी की यह भर्ती होगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है साहब, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। जो अपडेट आई है वो अपडेट देख सकते हो आप। ये आई है साथियों न्यू अपडेट। जो देखो राजस्थान में होगी, थोड़ी सी बढ़ा दूं भाई मैं येलो, राजस्थान में होगी ग्रुप डी और ड्राइवर के 65,000 पदों पर भर्ती। जारी की संभावित परीक्षा तिथि, यानी कि इनकी परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है। और ये साथियों RSMSSB बोर्ड, यानी कि अपना जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है जिसके अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उसी के अनुसार ये परीक्षा ली जाएगी साथियों। बिल्कुल, अब देखो राजस्थान में अगले साल ग्रुप डी और ड्राइवरों के 60,000 से 65,000 पदों पर भर्ती निकलेगी। RSSSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी विस्तृत भर्ती परीक्षा कैलेंडर में इन पदों पर भर्ती के लिए 4 दिन आरक्षित किए गए हैं। यानी कि ये कैलेंडर जो जारी हुआ था साथियों, उस कैलेंडर में भी इनके बारे में चर्चा की गई है। बिल्कुल, जो अपना कैलेंडर जारी हुआ है उसमें 74 भर्तियां शामिल कर दी गई हैं। अब कितनी भर्ती साहब? अब तो 74 भर्ती शामिल कर दी गई हैं। उन 74 भर्तियों में ही इनके भी जो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, क्रम संख्या 62-64 इनके लिए ही है। 62 और 64 जो क्रम संख्या है वो इन भर्तियों के लिए दी गई है। देखो मैं आपको बता देता हूं, 4 दिनों के दौरान 8 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कैलेंडर जारी करने के बाद कहा कि कैलेंडर में जो सीरियल नंबर 62 और 64 पर हमने जो बोर्ड की रिजर्व डेट रखी है वो राज्य सरकार के द्वारा अनाउंस की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ड्राइवर्स के पदों की परीक्षाओं के लिए है। लगभग 60 से 65 हजार पदों के लिए वक्त आने पर डिटेल्स जारी करेंगे। यानी कि साथियों जैसे ही इस पर डेट आएगी, यानी कि भर्ती की अधिसूचना तो जारी हो चुकी है। बिल्कुल साहब, क्लियर हो गई, क्लियर बात। अधिसूचना जारी हो चुकी है, भर्तियों की सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न सारे जानकारी अपने को मिल चुकी है और मैंने पहले भी वीडियो बना करके आपको सारी चीजें सूचनाएं दे रखी हैं कि भाई अधिसूचना जारी हुई थी उस समय मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। लेकिन अब ये जो नई अपडेट आई है इस वजह से मैं आपको अच्छी प्रकार से और भी इसमें अपडेट देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया था कि भर्तियों में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास और 8वीं पास नहीं है। अब साथियों 10वीं पास कर दी गई है और इनकी भर्ती जो है वो साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। पहले तो क्या होता था कि साहब इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होगा, अब सीधा एग्जाम होगा साहब। क्या होगा जी? एग्जाम होगा और एग्जाम को पास करना पड़ेगा तभी जाके आपको नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू ने तो छोड़ो, इंटरव्यू कुछ भी कौन लिया, सीधी परीक्षा लेगा और वे ही मिलेगा था ना ABCDE गोला काड़ा करो। लिखित परीक्षा के नाम से भी कुछ साथी ऐसे ना सोच लें कि साहब लिखित परीक्षा का मतलब लिखित में दिंगा के ना, RAS थोड़ी है जो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें तो वो ABCDE 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है 5 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से बढ़ा करके 10वीं पास कर दी गई है और फैसला किया गया है वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60,000 पद खाली हैं जिन पदों पर अगले साल भर्ती संभव है साथियों, यानी कि 2025 में यह भर्ती आ जाएगी आपकी। अब इनमें परीक्षाओं की भी तिथि जारी कर दी गई है। जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जैसे पशु परिचर हो गई तो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक परीक्षा लेगा, जेल प्रहरी होगी तो एम साथियों
9 अप्रैल से 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 को परीक्षा होगी, पटवारी भर्ती आओगी, नई भर्ती आओगी, 10 से 11 मई 2025 को एग्जाम होगा, फिर वीडियो की जो अपनी ग्राम सेवक बोलते हैं, सेक्रेटरी साहब जो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, उनकी भी नई भर्ती आएगी 2025 में, उसका भी 11-12 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा 2025 में, फिर साथियों सीईटी ग्रेजुएट वगैरह ये सारी की सारी भर्तियां हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ इसकी अपनी अगली बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये है राजस्थान सरकार का अधिसूचना जारी हुई है, कौन सी भर्ती की, ये है साथ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की अधिसूचना जारी हुई है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं और हमने आपको बता भी रखा है, चतुर्थ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें, जो की पूरी शर्तें हैं और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आपको ओमबी रोजगार के टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखा है, आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। इसमें भी वही 10वीं पास योग्यता रहेगी भाई, क्या रहेगी साहब, चतुर्थ श्रेणी में भी 10वीं पास योग्यता रहेगी। अब ये है अधिसूचना कौन सी, ये है साथियों ड्राइवरों की, जो 100% क्या होगी साहब, सीधी भर्ती होगी, ड्राइवरों की भी सीधी भर्ती होने वाली है। इसकी जो योग्यता है वो आप देख सकते हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास प्लस में लाइसेंस, और लाइसेंस कैसा चाहिए साहब, लाइसेंस चाहिए तुम्हारा LMV, और भाई किसी के पास में HMV हैवी का है तो भी चलेगा, LMV का है तो भी चलेगा, लेकिन राजस्थान रोडवेज में अगर भर्ती आती है तो वहां पर हैवी का ही लाइसेंस मान्य होगा, ये रोडवेज का है साहब, हैवी का। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी तो उसमें चार पहिया की गाड़ी चलाने के लिए LMV का भी मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज और भी लिखी गई है, जो कि 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 3 साल का अनुभव मांगा गया है ड्राइवर के लिए, ये चीजें आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। अब अनुभव का मतलब यह हुआ कि अगर आपका लाइसेंस 2021 में बना हुआ है तो अब 2025 में उसको 3 साल हो गए हैं साथियों, तो ये तुम्हारा पुराना लाइसेंस है, यही अनुभव के रूप में माना जाएगा। अब थारो लाइसेंस तो बने हुए 2024 में, अर्थे अनुभव बनवाओ कते दुकाना में जाके, कते सेट के जाके कि ले साहब मैं थारो ट्रक चलायो 3 साल तक, तो इनको अनुभव बना दो। अरे लाइसेंस की भी तो डेट देखो, 2024 में लाइसेंस बने, 25 में भर्ती आएगी, तो 1 साल भी कोनी हुई था हम तो एक्सपीरियंस, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 2021 में अगर किसी का लाइसेंस बना हुआ है तो वो 2025 में पूरा 3 साल हो गया उसको। अब गाड़ी चाहे कम चलाओ चाहे बत्ती चलाओ, लाइसेंस तो 3 साल पुराना होगा ना, या तो मान्य होगा कि हाँ भाई 3 साल पुराना लाइसेंस है तो गाड़ी चला रहा होगा, अनुभव है इसको, ये चीजें मायने रखती हैं। और 6x6 की आंखें होनी चाहिए, और भाई आपको जो गाड़ी चला रहे हो तो उसमें 3 साल का अनुभव तो है ही है, साथ ही साथ में आपको ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है साहब, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई, गाड़ी चलाने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, समझ रहे हो, आपको बढ़िया तरीके से गाड़ी चलानी आती है तो आप ट्रेड टेस्ट को पास कर पाओगे। छोटी मोटी इंजन की भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कहीं पर फंस जाओ आप, है ना, उजाड़ बियाबान में फंस भी जाओ जंगल उंगल में, तो अपने पेंचर हो जाए तो फटाफट दूसरी स्टेपनी चढ़ा दो, है और कुछ समस्या है तो उसको ठीक कर सको, छोटा मोटा नॉलेज आपको गाड़ी के बारे में होना चाहिए, यही थी मोटी मोटी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और ये पूरे नोटिफिकेशन यहां तो मैंने एक-एक क्लिप लगाई है, लेकिन पूरे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, जैसे ही इन भर्तियों की नोटिफिकेशन आएगी या और भी कोई अन्य अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर अवगत करवाता रहूंगा। सभी साथी चिंता ना करें, आपकी ये भर्तियां बहुत जल्द आने वाली हैं, इनके फॉरम वगैरह चालू होंगे, नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा साथियों। ठीक है जी, सभी साथी इसमें फॉरम भर पाएंगे, महिलाएं जो है वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में फॉरम भर पाएंगी, और पुरुष हैं जो दोनों भर्तियों में भी फॉरम पाएंगे, ड्राइवर में भी भर दो और उसमें भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉर्म चालू नहीं हुए हैं ना, अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी तो इनकी जो है अधिसूचना आई है, जो अधिसूचना टेलीग्राम पर डाल दी गई है साहब। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।